आज हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में पूरे शहर में लॉकडाउन है, और इससे जो है कोरोना वायरस से जो महामारी फैल रही है, इस सिलसिले में हम लोग जो हैं डिस्टेंस बनाकर रखें, दूरी बनाकर रखें, और आने वाले वक्त में शब रात आ रही है, इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने भी क्या हमारे साथ जो हैं DPCC के सदर अनिल चौधरी साहब मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये लोगों से अपील करें कि किस तरह से डिस्टेंस बनाकर रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। चौधरी साहब बिल्कुल मेरी अपील है दिल्ली की आवाम से, क्योंकि जो संक्रमण है वो पूरे देश और विश्व के लिए बहुत गंभीर रूप ले चुका है, और आज सभी लोग ये अपील कर रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। सब रात पे सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं, दुआ मांगते हैं। सो ऐसी परिस्थितियों में जहां मस्जिदें बंद हैं, मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, गिरजाघर बंद है, सब अपने घर से प्रेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे मानवता का उदाहरण देते हुए सभी लोग अपने घर से अपने पूर्वजों को याद करें, उनके लिए दुआ मांगें, उनसे अपने लिए भी दुआ मांगें, और ये जो संक्रमण फैल रहा है इसके बचाव के लिए भी दुआ मांगें, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। अजय सर, ये जो 14 तारीख से कह रहे हैं कुछ बढ़ जाएगा, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार इस पर समीक्षा कर रही है, लेकिन जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं इसमें ज़रूर सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि संक्रमण को रोका जाए, लेकिन ये भी सच है कि हॉस्पिटल से निरंतर ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, संक्रमित लोगों को जो है प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनके बच्चे उनके परिवार भी परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात जो अब उभर के आई है, इस संक्रमण के कारण जो लोग बीमार हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो दूसरी गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित लोग हैं उनको छुट्टियाँ दी जा रही हैं, ऐसी हमारे पास सूचनाएँ हैं, उनको ज़बरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है, ना तो उनको एम्स में भर्ती किया जा रहा है या पंत या LNGP हॉस्पिटल, एक दो कंप्लेंट्स मेरे पास भी आई हैं जिनको हम जांच करा रहे हैं, और सरकार से अनुरोध करेंगे, केजरीवाल जी से भी, गवर्नर साहब से भी, कि प्लीज़ जो ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल केसेस हैं जिनको तुरंत अस्पताल में एडमिट करने की आवश्यकता है, उन OPDs को ना बंद करें, उन मरीजों को आप भर्ती करें, संक्रमित लोग जो कोरोना वायरस से हैं उन लोगों के लिए जो आप व्यवस्था कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है, उसमें आपको और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। खबरें हैं कि स्टाफ के लिए भी PPE किट नहीं है या प्रॉपर ग्लव्स मास्क नहीं है, जब डॉक्टर स्टाफ के लिए नहीं है तो आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, चौधरी साहब ने बताया कि हम अनुरोध करते हैं कि इमरजेंसी जो है उसको ना रोका जाए, जो टिपिकल केस हैं उनको करना चाहिए, ऐसी बात सुनने में आ रहा है कि लोगों को जो टिपिकल केस है सिवाय कोरोना वायरस के अलावा किसी को नहीं लिया जा रहा है, इनका अनुरोध है कि दिल्ली सरकार से और गवर्नर साहब से कि ऐसे लोगों को फौरन ध्यान दें और उनकी भी देखभाल करें। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।